घंटी बज गई, जल्दी से सब अपनी बुक्स खोल लो, टीचर आने वाले होंगे। कोई टीचर नहीं आने वाला है, हम दोनों बहुत मजे करेंगे भाई। इतनी इन्फॉर्मेशन लाता कहाँ से तू? तुझे फाइट करनी है? तू पागल है? चुप करो सब। क्या चू चाचा लगा रखी है, चैन से सोने भी नहीं देते हैं ये बच्चे। गुड मॉर्निंग सर, जल्दी बताओ कौन कौन होमवर्क करके नहीं लाया है। वो मेरा होमवर्क गीला हो गया। अब होमवर्क कब से नहाने लगे तुम्हारे साथ? मैं होमवर्क के साथ नहा रहा था। यही उम्मीद थी तुमसे। सब अटेंडेंस के लिए तैयार हो? I'm ready sir. First roll number RN. Yeah. क्या जोश है जी? कौन सी माता चढ़ गई इसे? इतने भी जोश की जरूरत नहीं थी। रोल नंबर 3 जे हो, मैं स्पेशल करूंगा। क्या बकवास है ये। रोल नंबर 4 वी, आई एम प्रेजेंट सर। जंगुक, जंगुक आज जंगुक नहीं आया क्या? जंगुक सारी रात पबजी खेल रहा था, इसीलिए अभी क्लास में सो रहा है। अच्छा ये पबजी वाला है, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो सो रहे हो। मैं फ्री फायर वाला हूँ। ओके क्लास शुरू करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस मायसेल्फ, सुगा शर्मा। शर्मा सर आप हो? पता है इसकी शादी नहीं है। सब सुन लिया मैंने। मायसेल्फ सुगा शर्मा, और शादी तो मैं तेरी कराता हूँ, मेरी करा दो। मुझे कुछ पूछना है। आप वही हो ना जो गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े रहते हो? वो मैं नहीं हूँ। ओके तो कौन है वो? वो मेरा जुड़वा भाई है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम? और कितने भाई हो आप? वैसे सच कहूँ तो हम 7 भाई हैं। BTS सात? इतने सारे? वैसे जी हम, तुम्हारी घड़ी बहुत महंगी लग रही है, कहाँ से खरीदी? लग रहा हूँ ना मैं अमीर? अपने बाप की घड़ी चुराई है क्या? हाँ मेरे पापा की घड़ी है। चलो क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट पीरियड है हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास? आज सभी अपने अपने फेवरेट त्योहार के बारे में बताएंगे। त्योहार? ये तो बोरिंग है। आज तो मैं स्कूल ही नहीं आने वाला था। क्यों ठंड है इसलिए? नहीं मम्मी कह रही थी स्कूल नहीं जाएगा तो बर्तन ही साफ कर दे, फिर मैंने सोचा स्कूल ही चला जाता हूँ। वैसे स्कूल में आके क्या उखाड़ लेगा तू, इससे अच्छा तू घर पे पोछा ही लगा लेता। भाई बेइज्जती करा के मजा आ गया? तुझे बर्तन साफ करने भी आते हैं? देख ऐसे करते हैं बर्तन साफ, सीख गया ना? और खिड़की खोल के मच्छर ऐसे मारते, फिर से कर। तुम सबका ड्रामा खत्म हो गया हो तो क्लास शुरू करें। रोका किसने है? सबसे पहले त्योहार के बारे में बताएंगे जे हो। मैं? नहीं मैं बताऊं क्या? सर जिमिन बताएगा। यस सर मैं बताता हूँ। मुझे त्योहार पे मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है। वो तो तुझे देख के पता चलता ही है। त्योहार के बारे में बात करनी है, मिठाइयों के बारे में नहीं। क्यों मुँह में पानी आ गया? मेरी फेवरेट मिठाई है रसगुल्ला, मुझे गुलाब जामुन पसंद है। मुझे काजू कतली। सबसे पहले त्योहार के बारे में बताएंगे जंग जंग। भाई तू बता। मैं? मुझे सारे त्योहार पसंद है। एक का नाम बता। एक का? मुझे होली बहुत पसंद है। होली में जो मजा है वो किसी त्योहार में नहीं है। ऐसा क्या है होली में? ये कुछ क्या नहीं है होली में? हम होली में किसी के भी गाल लाल कर सकते हैं, वो भी बिना थप्पड़ मारे, और उसे बोल देंगे कि बुरा ना मानो, होली है। सामने वाले के कपड़े ही क्यों ना फट जाए, चाहे वो कितना भी मना करे, लेकिन हम तो रंग लगा के ही मानेंगे। जे बात। भाई मैं इन्हें बताता हूँ, जब तक मैं होली में 2-4 लोंडो को पीट ना दूं, तब तक मुझे होली में मजा ही नहीं आता है। ओहो ये होली नहीं गुंडागर्दी है। तुम सब इसे गुंडा मानो या गर्दी, मैं तो होली मनाऊंगा। होली में मजा तभी है जब 2-4 को पीट ना दो। इस बार तुम्हें भी पीटूंगा। ओहो एक बार हाथ लगा के तो दिखा।
पिछली होली में गली के लड़कों ने मेरा मुंह लाल पीला कर दिया था, फिर घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार के। पूरे एक हफ्ते तक मैं घर के बाहर ही था, रंग छूट ही नहीं रहा था। अच्छा हुआ तेरे साथ कोई पहचान ही नहीं रहा था। मैं कुछ बोलूं? तेरी बारी बाद में आएगी, किसी और को कुछ कहना है क्या? मेरा एक सवाल है कि तुम्हें रंग लगाना ही है तो तुम प्यार से शराफत से पूछ सकते हो ना कि हम तुम्हें रंग लगा ले, जबरदस्ती कौन करता है? चल बे, तो क्या करे भैया, शराफत से जाके सबसे पूछे कि रंग लगा ले, और भाई साहब ने मना कर दिया तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे कि कोई आएगा और हमें कहेगा प्यार से कि रंग लगा लो। सही बोल रहा है मेरा भाई। जब तक होली में दो चार की खोपड़ी ना फूटे और जो बचने की कोशिश करते हैं ना उन्हें तो सर से पैर तक डुबा डुबा के रंग लगाना चाहिए, तभी तो होली में मजा आएगा। क्या जिन कुछ बोल इसे, तुम दोनों सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि तुम्हें गुंडागर्दी करनी है? जो तू समझे। नाले में भिगो भिगो के रंग लगाना चाहिए, बंदे के कपड़े फट जाए, घर वाले पहचानने से मना कर जाए। ये तो गलत है। तो मैं क्या करूं? मैं कुछ बोलूं? तू शांत बैठा रहे, तेरी बारी आ जाएगी। मेरी बारी कब आएगी? सब चुप हो जाओ, आपको कुछ बोलना है? कुछ तो बोल, तूने मेरे को रंग लगाया था। ओह, ये आज मेरे हाथों से पिट जाएगा। ये ड्रामा बंद करो, मुझे कुछ कहना है। मुझे दिवाली बहुत पसंद है। दिवाली के दिन मैं तो अपने मोहल्ले में भोकाली मचा देता हूँ, सब लोग डर जाते हैं। ओ, अब सबको पता चल गया कि वो मैं ही हूँ जो गली में पटाखे फोड़ के भाग जाता है। मैं छोटे मोटे पटाखे नहीं चलाता हूँ, 10,000 की लड़ी लाता हूँ और उन्हें आग लगा देता हूँ। वाह, पूरा मोहल्ला कांप जाता है, बंदा अमीर है। दिवाली पे मिठाइयाँ कपड़े और पटाखे किसे नहीं पसंद। मैं जो रॉकेट जलाता हूँ ना, वो इतनी दूर जाता है कि पूरा मोहल्ला चमक उठता है मेरी वजह से। इन लोगों की होली से ज्यादा मस्त है मेरी दिवाली, मुझे तो सोन पापड़ी खाने को भी मिलती है। वही सोन पापड़ी खा के मर जा तू, तू मर जा। पटाखे जलाने से कितना पोल्यूशन होता है तुम्हें पता भी है? हाँ, कैंसर भी हो सकता है तुम्हें। जो इतने सारे पटाखे मैं खरीदता हूँ उन्हें क्या मैं कचरे में फेंक दूँ? थोड़े से जलाना। सही बात है, पटाखे कम जलाओ। सुन भाई, तू लिमिट में पटाखे जलाएगा ना तो इससे पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा और तू खुश भी हो जाएगा। अब तो बोले दो मुझे, बोले दो इस बेचारे को भी। बोल भाई बोल। तुम्हें लगता है कि पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है ना? हैं? तो तुम मत जलाना, हम तो जलाएंगे। लगता है वी को भी दिवाली बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा, मैं तो पटाखे जला के रहूंगा। मेरा सबसे फेवरेट त्योहार है वो है मेरा जन्मदिन। हैं? ये कौन सा त्योहार है? इस दिन मैं मेरे घर का हीरो होता हूँ क्योंकि रिश्तेदार आते हैं और गिफ्ट लाते हैं। तू साल में 4 बर्थडे मनाता है? हाँ, तो मैं 4 मनाऊँ या 10, तुझे इससे क्या? तू तो ऐसे बोला जैसे तू तो अपना बर्थडे मनाता ही नहीं है। मेरे बर्थडे पे इसने मुझे ही अपना गिफ्ट दे दिया था। पार्टी पे कितना खर्च होता है तुझे पता भी है? केक लाना होता है, डेकोरेशन करना होता है और कुछ लोग तो सिर्फ मुफ्त का खाने आते हैं। आजकल तो लोग रिटर्न गिफ्ट भी मांगने लगे हैं पार्टी में। वैसे आज मेरे घर पार्टी है, कौन आएगा? अब मैं बोलूंगा। अब तू क्या बोलेगा? हाँ तो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई बोलने ही नहीं दे रहा है। एक मिनट रुक, यहाँ पे जिन जिन को होली पसंद है वो हाथ खड़ा करे। देख सबको, ये 4 लोग, मैं इन लोगों की बात क्यों मानूं? ये सब के सब एक नंबर के घूसखोर हैं। तूने इन्हें पैसे दिए हैं। अब तुम लोग यहाँ पे लड़ाई मत शुरू कर देना। हमारे पास इतने पैसे होते तो हम खुद ना रख लेते। मैं इन लोगों की बात से सहमत हूँ, लेकिन होली के नाम पे तुम लोग गली में गुंडागर्दी करते हो, लोगों को तंग करते हो, उन्हें परेशान करते हो। तुम दोनों एक नंबर के गुंडे हो।
हम लोग गुंडागर्दी करते हैं या जनतागिरी, तुझे इससे क्या? हाँ अब तू चुप हो जा वरना आलू बम फेंक के मारूंगा तुझे। वही बम मैं तेरे मुंह में ठूस दूंगा, समझ गया? फिर तो इसका मुंह फट जाएगा। और नहीं तो क्या। भाई बेइज्जती के लिए सॉरी। मैं किसे को से गुंडा लगता हूँ? मेरा पोपट हो गया। मैं बचपन में एक ही हाथ से रॉकेट पकड़ लेता था। हैं? क्या बोल रहे है? पागल हो गए क्या? फिर मेरा हाथ जल गया। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे दिवाली की मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मैं तो थाली भर मिठाइयाँ बांटने के लिए ले जाता था और सारी मिठाइयाँ खुद ही साफ कर जाता था। होली सबसे मस्त है। मेरी बात सुनो। दिवाली मस्त है। मेरी बात सुनो।